चाणक्य के कथनानुसार दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। आज हम लोग बात करेंगे हमारे दुश्मन चीन के दुश्मन एवं भारत के मित्र जापान के बारे में। आज का टॉपिक है जापान और चाइना के मध्य द्वीपीय विवाद के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये द्वीप विवाद क्या है, ताइवान का इस द्वीपीय विवाद में क्या इम्पोर्टेंस है, और साथ ही इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी जड़ क्या है और जापान तथा भारत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। डिस्कशन शुरू करने से पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। जापान तथा चीन के बीच विवादित द्वीप चर्चा में क्यों? क्या हुआ है कि जापान की एक स्थानीय परिषद ने चीन और ताइवान के साथ विवादित सेनकाकू आइलैंड क्षेत्र में स्थित कुछ द्वीपों की प्रशासनिक स्थिति बदलने का एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो सेनकाकू आइलैंड का विवाद है जिसे जापान सेनकाकू कहता है। रीज़न क्या है कि अभी एक स्थानीय परिषद ने जापान की प्रशासनिक स्थिति को बदलने के लिए एक विधेयक बनाया है। जैसे कि हमने जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटा करके एक नया जेस्चर शो किया, एक विधेयक को उसके प्रशासनिक स्थिति को बदला है, ऐसे ही सेनकाकू आइलैंड के साथ जापान ने किया है। यहाँ पे देखिए ये एक तस्वीर है, यहाँ पर सेनकाकू आइलैंड है, जापान से काफ़ी डिस्टेंस है, लगभग 4 किलोमीटर रिकू आइलैंड से। ताइवान से इसकी डिस्टेंस 170 है, जबकि इशिगाकी से भी 170 है। इशिगाकी जो है वो जापान का पार्ट है। चाइना से इसकी डिस्टेंस है 330 किलोमीटर। विधेयक क्या कहता है कि विधेयक के अनुसार टोक्यो द्वारा नियंत्रित सेनकाकू द्वीप, सेनकाकू पे कंट्रोल किसका है? टोक्यो का ही है। द्वीप के पास स्थित एक द्वीप जिसे जापान में टोनोशिरो कहा जाता है तथा ताइवान और चीन में चीन में दियोयस के नाम से जाना जाता है, का नाम बदलकर टोनोशिरो सेनकाकू कर दिया गया है। अब सेनकाकू जो द्वीप है उसमें टोनोशिरो का नाम जोड़ने से ये एक मैसेज जाता है चाइना को, एक मैसेज जाता है ताइवान को कि ये द्वीप जो है ये पूरी तरह से जापान का है। जापान जिसे सेनकाकू कहता है उसी को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो डियायू, और ताइवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है त्यायुती आइलैंड। ये नाम याद रखिएगा तीनों। ओकिनावा द्वीप पर इशिगाकी, जो भी मैंने बताया इशिगाकी नामक एक नगर स्थित है। इशिगाकी नगर परिषद के एक हिस्से को टोनोशिरो के रूप में जाना जाता है। इसे लोगों में क्षेत्र को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, अतः इस भ्रम की स्थिति से बचने के लिए इस क्षेत्र के नाम में परिवर्तन किया गया। चीन जो है वो डियाओयू द्वीप तथा उसे संबद्ध क्षेत्र को अपनी सीमा में स्थित मानता है। तो चीन तो उसकी साम्राज्य नीतियाँ वो हर एक क्षेत्र को बढ़ा के बताता है। चीन के अनुसार जापान द्वारा क्षेत्र की प्रशासनिक स्थिति में किया गया बदलाव चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है। चीन कहता है कि जो जापान ने अपनी इस विधेयक द्वारा जो बदलाव किया है प्रशासनिक स्थिति में वो हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता में उल्लंघन है, क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है, हमारी सॉवरेनिटी का वायलेशन है, तथा चीन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है। इसके अतिरिक्त चीन ने यह भी कहा कि द्वीपों के आसपास के क्षेत्र में जहाज़ों के भेड़ों को भेज दिया है। ठीक है, ताइवान क्या कहता है? ताइवान का कहना है कि डियाओयू द्वीप ये क्षेत्र उसके क्षेत्र का हिस्सा है तथा इन द्वीपों की प्रशासनिक स्थिति में किया जाने वाला किसी प्रकार का बदलाव ताइवान के लिए मान्य है। तो ताइवान उसे अपना मानता है, चीन अपना मानता है और जापान अपना मानता है। कंट्रोल 1971 से ही जापान के पास है। सेनकाकू द्वीप विवाद है क्या? इस विवाद का कारण पूर्वी चीन सागर में स्थित 8 निर्जन द्वीप हैं जिनकी कुल क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, सिर्फ 7 वर्ग किलोमीटर है। टोटल 8 द्वीप हैं जिसमें 7 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ये ताइवान के उत्तर पूर्व, चीन मुख्य भूमि के पूर्व में और जापान के दक्षिण पूर्वी प्रांत ओकिनावा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, सेनकाकू या डियाओयू द्वीपों को औपचारिक रूप से वर्ष 1895 से जापान द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।
1895 में ही इस पर झंडा फहराया गया था जापान द्वारा, और उस समय जिस भी ऐसे किसी और कंट्री द्वारा क्लेम ना करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी निर्जन स्थान पर जाकर के अपनी आधिपत्य को दर्शाता है और किसी और कंट्री द्वारा क्लेम नहीं किया जाता है तो वो जमीन उसकी हो जाती है। तो 1895 में जापान ने यही किया था। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक लघु अवधि के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भी इस क्षेत्र को नियंत्रित किया गया। चूंकि जब जापान हार गया सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो इस पर कंट्रोल किसका हो गया? अमेरिका का 1945 में। और उसके बाद में 1970 में यहाँ के अनेक द्वीपों को लेकर का निजी नियंत्रण भी रहा। चीन ने वर्ष 1970 के दशक में इस क्षेत्र पर ऐतिहासिक अधिकारों का हवाला देते हुए सेनकाकू दियाओयू द्वीप पर दावे करना शुरू कर दिया, जबकि 1971 के आसपास इसको अमेरिका ने हस्तांतरित कर दिया। किसको? जापान को। सितंबर 2012 में जापान द्वारा एक निजी मालिक से विवादित द्वीपों को खरीदने पर तनाव फिर से शुरू। यहाँ पर एक निजी मालिक बीच में कर दिए गए थे जिसके 2012 में खरीद लिया गया। आर्थिक महत्व क्या है? यहाँ संभावित तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। प्रमुख शिपिंग मार्गों के पास स्थित मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शिपिंग मार्ग है यहाँ पर। समुद्र समृद्ध मत्स्य क्षेत्र में स्थित है ये, और यह क्षेत्र चीन जापान के अतिव्यापी विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में स्थित है, क्योंकि चीन और जापान को अलग करने वाली पूर्वी चीन सागर की लंबाई केवल 360 समुद्री मील है, जबकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की लंबाई कितनी होती है? 200 नॉटिकल माइल मानी जाती है। ठीक। वर्ष 2014 में अमेरिका ने स्पष्ट किया था कि जापान की सुरक्षा के लिए की गई अमेरिका जापान सुरक्षा संधि विवादित द्वीपों को भी कवर करती है। तो इस प्रकार से 2014 से अब अमेरिका अगर इस प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो अमेरिका जापान की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। अतः सेनकाकू द्वीप विवाद में अमेरिका भी शामिल हो सकता है। बढ़ती राष्ट्रवादी भावना तथा राजनीतिक अविश्वास देशों को बड़े संघर्ष की ओर ले जा सकता है। अतः देशों को चाहिए कि वह विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करें। अभी जैसा कि माइक पोम्पियो ने जर्मनी से जब अपनी सेना हटाई तो वहां पर प्रश्न पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने जैसा कि स्टेटमेंट दिया कि साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है और हमें सेना की वहाँ ज़रूरत है। तो इस प्रकार से एक नया वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्रिएट हो रहा है जिसे हम लोग आगे कवर करते रहेंगे। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अब तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।